अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में चैप्टर 7 आइकम पार्ट 1 बिजनेस मैथ बुक शाहिद जमाल की, चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। क्वेश्चन है 7.9। अब यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हम मैट्रिसेस अगर लिख लें, एक्स 1, 2, 5, वाई 0 एंड 4, 3, जेड, ठीक है, इक्वल टू किसके है, 2 माइनस एक्स, 1, 2, 5, 2y माइनस 1, 0 एंड 4, 5, 6 प्लस 4z, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो है x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पर ये हो गया x प्लस x इज इक्वल टू 2, देन 2x इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2/2 विच इज 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। इसके बाद है y, सो y इज इक्वल टू 2y माइनस 1, सो यहाँ पर y माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये हो गया माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस दोनों तरफ से कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 1। फिर z इज इक्वल टू 6 प्लस 4z, क्योंकि एक तो मैट्रिसेस इक्वल है और साथ ही इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसे इस तरह से लिख रहे हैं, z माइनस 4z इज इक्वल टू 6। 4z में से 1z चला गया, तो माइनस का 3z इज इक्वल टू 6, सो z इज इक्वल टू 6/-3, 3 1 3, 3 2 6, z इज इक्वल टू -2 आंसर। तो ये था क्वेश्चन, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा। मज़ीद एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चंस के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब, साथ ही अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड से शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।